हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दोना पत्तर मैन्युफैक्चरिंग बाय अंकित। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा रहने वाला है कि आपको दोना पत्तल मशीन का सेटअप करने के लिए कितनी जगह लगेगी, बिजली कितनी लगेगी, पूंजी कितनी लगेगी, और इतना सब लगने के बाद कमाई कितनी होगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो मिले सबसे। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है जगह कितनी लगेगी। तो ये बात तो सिंपल है, अगर आप कोई बिजनेस, कोई भी छोटा मोटा या बड़ा कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको शुरुआत करते हैं, तो जगह की तो दिक्कत आती ही आती है। तो इसलिए हम इस टॉपिक में भी बात करेंगे। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है बिजली कितनी लगेगी। अब दोना पत्तल का बिजनेस है और मशीन लगेगी, तो जब वो चलेगी तो उसमें बिजली की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो बिजली हमारी 1 फेज 2 फेज 3 फेज और कमर्शियल नॉन कमर्शियल मीटर भी आता है, तो उसके बारे में आपको दूसरे पॉइंट में आपको बताएंगे। और तीसरे पॉइंट में है पूंजी कितनी लगेगी। तो ऑब्वियस बात है कि आप मशीन लगा रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, मशीन का कितना पड़ेगा, आपको रोल कितने का पड़ेगा, और इसके बाद लास्ट हो गया हमारा कि हमारी कमाई कितनी होगी। तो अब मशीन लगा रहे हैं, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमाई ना हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं इस वीडियो में, चौथे पॉइंट में, कि आपको सब बचा बुचा के कितना आपको इसमें बचत हो जाती है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में आखिरी तक। तो आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो अब हमारा नंबर 1 पॉइंट है कि जगह कितनी लगेगी। तो जगह के लिए हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमें जगह अलग से ढूंढनी पड़े, या फिर कोई कमरा हमें रूम रेंट में लेना पड़े, या फिर कहीं और जाना पड़े। तो उसके लिए आप अपने घर के पास में, या फिर घर में पोर्च हो, या सीढ़ी के नीचे हो, बरामदा हो, कहीं पर भी इस दोने पत्तल की मशीन को फिट कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10 बाय 10 का एक कमरा होता है, वहीं पर ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इस मशीन को लगा सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपके पास 10 बाय 10 की जगह ना भी हो तो 5 बाय 8 की जगह होगी, तो उसमें भी लग जाएगी ये मशीन आराम से। इसके लिए आपको अलग से कोई जगह लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं रूम रेंट में लेना पड़े, भाड़े में कमरा ले लोगे, फिर उसके बाद आपके पास उतना बिजनेस नहीं आ पाया स्टार्टिंग में, तो आप कहाँ से रेंट चुकाओगे। तो इसलिए आप अपने घर में ही इसके लिए छोटी मोटी जगह तलाश कीजिए और वहीं पर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप अपके घर में से ही आप इस काम की स्टार्टिंग करेंगे तो घर में आपको कोई किराया देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर में ही आपका काम हो जाएगा स्टार्टिंग। तो दोस्तों, अब नंबर 2 पॉइंट है बिजली कितनी लगेगी। और बिजली आप जो अपने घर में, हमारा लाइट जलती है, पंखा चलता है, फ्रिज मशीन चलती है, इतने में ही हमारा ये मशीन भी चल जाती है। पर गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमें, आप कोई भी रोजगार शुरू करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का उद्योग स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें कमर्शियल मीटर लेना पड़ता है। तो 220 वोल्ट हमारे घर में इस्तेमाल होती है, 220 वोल्ट में ही हमारी ये मशीन चल जाती है। तो आइए चलते हैं अब हम पूंजी पर, कि पूंजी कितनी लगेगी। यह है नंबर 3 पॉइंट। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट, हमारा इसमें कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। तो मशीनें तो काफ़ी टाइप की है, डबल डाई, सिंगल डाई। तो सबसे पहले हमें सिंगल डाई मशीन खरीद लेनी चाहिए, जिसमें 14 इंची बेलन और बॉडी, चैनल बॉडी होनी, और इसके साथ ही 1 HP की मोटर हो, जिसमें आप 1 से 13 इंच तक की कोई सी भी प्लेट, थाली, नाश्ता प्लेट, डिनर प्लेट, बफर प्लेट, कोई सी भी प्लेट बना सकते हैं। तो अभी बनाने की बात तो हो गई, तो अब हमारा पॉइंट है कि अब हमें डाई क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक थाली के लिए चाहिए, नाश्ता प्लेट के लिए चाहिए, 6 इंची दोना के लिए चाहिए, और गोलगप्पे के लिए चाहिए। ये गोलगप्पे वाली डाई आपको मशीन के साथ फ्री मिलती है, कई लोग फ्री भी देते हैं, बाकी आप खरीद सकते हैं। तो हमारा डाई और मशीन का प्राइस तो हो गया है फिक्स। तो अब हमारी बात आती है रॉ मटेरियल पे। तो रॉ मटेरियल हमें कैसा खरीदें और क्या क्या खरीदें, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है अभी जिस रॉ मटेरियल की, वही वही हम खरीदेंगे, बाकी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाद में खरीद लें। तो 13 इंची का रोल 50 किलो, 7 इंची का 20 किलो, 6 और 5 इंची का भी 20-20 किलो। तो टोटल हमें 110 किलो माल खरीदना है, और 5 किलो अभी हमने माल खरीदा है, तो पन्नी की भी हमें ज़रूरत होगी जो पैकिंग के लिए। तो 5 किलो हम पन्नी खरीद लेते हैं, जो कि हमारी पड़ जाएगी 1000 रुपये की। तो मैं आज के रेट बता रही हूँ, शायद आप मेरी वीडियो 6 महीने या 1 साल बाद देखें, तो तब का रेट तब के हिसाब से होगा। तो अभी मैंने आज के रेट आप लोगों को बता दिए हैं।
तो इसके बाद हमारा रॉ मटेरियल हो गया है, पैकिंग हो गया, मशीन हो गया, डाई हो गया, टोटल हमारा हो गया है 64,600 रुपये। आप 70,000 रुपये मान के चलें तो इतने में आपका बिजनेस का सेटअप हो जाएगा। तो इतना नॉलेज हमने आपको अपनी वीडियो में दे दिया है। और अगर आप इस कोई भी बिज़नेस, ये दोना पत्तल का बिज़नेस या कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा, और अगर आप कर सकते हैं तभी करिएगा, वरना ऐसे किसी के कहने पे तो कोई बिज़नेस स्टार्ट मत कीजिएगा। तो अगर आपको ये सब बिज़नेस और इसकी मशीन का जो कुछ भी लेना है और जो कुछ भी करना है, तो कोई भी वीडियो देखने से या कुछ भी बोल देने से, किसी के कुछ भी बोल देने से बिज़नेस स्टार्ट करने से नहीं होगा। अगर आप वहाँ मशीन ख़रीदने जाते हैं तो सब कुछ देख के अच्छे से परख के मशीन लाइए। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए हैं क्लियर। तो अभी चौथा पॉइंट है कमाई कितनी होगी। तो आइए अब बढ़ते हैं कमाई की ओर। भाई अब इतना काम कर दिया है, सब कुछ हो गया है, सेट भी हो गया, तो इसके बाद अब कमाई के बारे में जान लेते हैं कि हमारी बचत इसमें कितनी है। तो इसका बचत मैं आपको फार्मूला में बता देती हूँ, अगर आपको बिलीव ना हो तो आप खुद से भी जोड़ सकते हैं। ये मैं आपको लगभग बता रही हूँ, बाकी आप खुद से करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमारा 1 kg रोल है, उसमें 400 पीस बन जाते हैं। तो 400 पीस को हम 20 की पैकिंग करते हैं, तो 20 से भाग करेंगे तो आ गया 20 पैकेट। तो 20 पैकेट हमारे बन गए हैं। 20 पैकेट को अगर आप दुकान में सेल करते हैं तो 10 और 12 रुपये के बिकते हैं बाई चांस। तो अगर आप अपने आप होलसेल में बेचते हैं कहीं, तो 5, 6, 7 ऐसे रुपए के बिक जाते हैं। तो अगर आप दुकान में इतने का बेच रहे हैं तो 5 पैकेट हमारे हो गए हैं, मतलब 5 रुपए के हिसाब से 20 पैकेट हो गए हमारे 100 रुपए के। तो 100 रुपए के अगर हम 60 रुपए का रोल काट लेते हैं, 10 रुपए लेबर कॉस्ट और 10 रुपए इलेक्ट्रिसिटी, तो भी हमारा 20 रुपए पर केजी में बच जाता है आसानी से। तो इसके अलावा हमारा कचरा होता है जिसे वेस्टेज बोलते हैं, ये भी हमारा कबाड़ी वाला खरीद लेता है, तो इसको भी हम बेच सकते हैं और इससे भी हमारे पैसे आ जाते हैं। उसको हम नहीं जोड़ेंगे, वो हमारा एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों आप जितना काम करेंगे उसी हिसाब से आप अपना औसत भी निकाल सकते हैं कि कितना आप महीने का बचा लोगे इसमें। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, आप खुद से जोड़ करके देख लीजिएगा। महीने का आप 10-15 हज़ार रुपये आराम से अपना बचा सकते हैं। और दोस्तों फंसते वही लोग हैं जो गलत जगह से गलत मटेरियल खरीद लेते हैं और देखते नहीं है और उनको नॉलेज नहीं होता है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छा सामान खरीदे, अच्छा सामान बेचे, तो आपके पास कस्टमर अपने आप ही आएगा, आपको कहीं ज्यादा जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी मजेदार और वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।